हेलो एंड वेलकम टू पेप्सी एमटीवी व्हाट्स अप द वॉइस ऑफ यंगस्तान। मेरा नाम है होजे और आज के टॉप न्यूज में महाराष्ट्र में टीचर्स की स्ट्राइक, सऊदी अरेबियन स्टूडेंट यूजेस ब्लॉगिंग फॉर सोशल चेंज, रिसेशन में रोबोट्स भी हुए अनएम्प्लॉयड, वॉचिंग टेलीविजन इज द सॉल्यूशन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेलिना जेटली वर्सेस बाबा रामदेव, राम गोपाल वर्मा फिर से हो गए सू, और भंसाली रिवर्ट्स टू द ओल्ड फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। आज के यंगस्तान न्यूज में महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 30,000 टीचर्स स्ट्राइक पे जा चुके हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट द गवर्नमेंट टू रिवाइज देयर पे स्केल्स। इससे 90% डिग्री कॉलेजेस के लेक्चर्स अफेक्ट होंगे। प्लीज आप लोग एक्साइटेड मत होइए, अनएडेड कोर्सेज अब अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन एज शेड्यूल। सऊदी अरेबिया में एक स्टूडेंट ब्लॉगिंग को यूज कर रहा है एज अ टूल फॉर सोशल चेंज। सऊदी अरेबिया एक मोनार्की है व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड हेंस द यूज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट जिंदाबाद। द रिसेशन सीम्स टू अफेक्टेड नॉट जस्ट ह्यूमंस, अभी रोबोट लोग भी अफेक्ट हो चुके हैं। जापान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो चुकी है एंड इसकी वजह से रोबोट्स को ले ऑफ कर दिया गया है एंड द डिमांड हैज डिक्रीज्ड फॉर रोबोट्स। क्या हो रहा है, कैन यू बिलीव द रिसेशन इज अफेक्टिंग रोबोट्स? अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन है इन रोबोट लोगों के लिए तो प्लीज सेंड अस एन ईमेल, सेंड इट टू whatsapp@mtvindia.com। अब गुलाम नबी आजाद जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि ही हैज अ वेरी न्यू स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि सारे विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करना चाहिए और टीवी पे लेट नाइट प्रोग्राम्स अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू शो देम गुड प्रोग्राम्स ताकि लोग टीवी देखें एंड दे डोंट एंड अप हैविंग सेक्स। यस, ये उनका स्ट्रेटजी है, लेट नाइट अच्छे प्रोग्राम्स दिखाइए, लोग सेक्स नहीं करेंगे और बच्चे पैदा नहीं होंगे एंड द पॉपुलेशन विल बी कंट्रोल। ये काफी फनी साउंड होता है बट आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। अब वक्त आ गया फॉर ईगॉस बिकॉज योर डे इज इनकम्प्लीट विदाउट सम सिजलिंग बॉलीवुड गॉसिप। बाबा रामदेव और सेलिना जेटली के बीच में महायुद्ध, क्योंकि सेलिना जेटली हैज बीन सपोर्टिंग गे एंड लेस्बियन राइट्स इन इंडिया। अपेरेंटली बाबा रामदेव ने ये कहा कि सेलिना जेटली के पास मॉरल्स और वैल्यूज नहीं है एंड शी चेंजेस हर पार्टनर एवरी मंथ। ये उनको कैसा पता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जब सेलिना जेटली ने ये सुना वो बहुत भड़क गई एंड शी सेज ये कैसा बाबा है जो लड़कियों के बारे में ऐसे लूड कमेंट्स करता है। राम गोपाल वर्मा, मेरा जिगरी दोस्त, ऑल्सो नोन एज रामू, ऑल्सो नोन एज RGV, फिर से सू हो रहे हैं। द फिल्म राइटर्स एसोसिएशन ने उनको 8 लाख पैसा देने के लिए बोला है बिकॉज उन्होंने किसी का स्क्रिप्ट चुराया एंड ही मेड द फिल्म अज्ञात। रामू, RGV, राम गोपाल वर्मा, क्या कर रहे हो आप आजकल? तो आप सेट से ज्यादा कोर्ट में दिखाई दे रहे हो। गुड स्टफ मैन, वी लाइक इट, कीप द कॉन्ट्रोवर्सीज कमिंग। संजय लीला भंसाली अपना पुराना फॉर्मूला पे गया है आफ्टर द फैबुलस सक्सेस दैट वाज सावरिया। मैं मजाक कर रहा हूँ, सावरिया एक फ्लॉप फिल्म थी। वो अपना नया पिक्चर बना रहा है ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन के साथ। द फिल्म इज कॉल्ड गुजारिश और इस फिल्म में जस्ट लाइक ब्लैक ही इज गॉट ऋतिक रोशन एज अ फिजिकली चैलेंज्ड कैरेक्टर इन दिस फिल्म। ऋतिक रोशन जो एक बहुत ही बड़ा परफेक्शनिस्ट है, हमने सुना है कि वो घर पे दिन भर वो व्हीलचेयर पे है, ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस फिल्म गुजारिश। लेकिन हमें लगता है कि दिस हैज समथिंग टू डू विद बाबरा मौरी, सुजैन खान, मारपीट, वाइट टाइम्स। आप समझ रहे हैं ना? You get what I'm saying. Right now, it's time for Vineet. He's checking out a new game. It's Tiger Woods PGA Tour 10 on TechBook. What's up? Welcome to the TechBook section of What's Up. हमने काफी सारे वीडियो गेम्स के बारे में आपसे बात की है। We've talked about a lot of sports on What's Up. पर एक स्पोर्ट है जिसके बारे में हमने आज तक What's Up में बात नहीं की है, and that is golf. That's right. गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है विच इज सो एक्सपेंसिव कि यंगिस्तान उसको ट्राई भी शेयर नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो गेम रिव्यू कर रहा हूँ। इसका नाम है टाइगर वुड्स PGA टूर 2010। और इस रिव्यू को हेल्प करने के लिए आज मेरे साथ एक प्रोफेशनल गोल्फर यंगिस्तानी बहुत दूर से आए हैं। हिज नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम सिद्धार्थ। आप कितने टाइम से गोल्फ खेल रहे हो? थोड़े टाइम से, विद फ्रेंड्स, सोशली एंड ऑल दैट। सिद्धार्थ, लेट्स गो एंड ट्राई दिस गेम। Do you think it's a really difficult game to sort of start playing, learn, and actually जब तक आप सीखोगे तब तक आप बूढ़े हो जाओगे। उसके controls इतने easy to manage हैं कि अगर आप real life में खेलने जाओगे तो you need a lot of practice, but once you start gaming, right, तो आपको it's very self-explanatory. What do
do you think about the graphics of the game? It's becoming realistic every time the latest version of a game comes out. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो बारिश हो रही है इसके अंदर, अब गोल्फ कोर्स में बारिश हो रही है तो गेम रुक नहीं जाता है, इट हैज टू कंटिन्यू द सेम वे, उस तरह का एनवायरनमेंट बना रहे हैं। इस वर्जन में जो 2010 PGA टूर का जो वर्जन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस जो 2009 में आया था? 2010 एडिशन में ये है कि उसके अंदर एक पैच दिया हुआ है इन विच यू एबल टू एनालाइज किस तरह आपको खड़ा होना है, किस तरह आपको पटर पकड़ना है, कितना तेज शॉट मारना है, किस डायरेक्शन में मारना है और किस स्लो पे मारना है। सिद्धार्थ अपना चेहरा दिखाना। आई टेल यू व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज इस गेम एक स्पेशल फीचर है, अपने चेहरे का फोटो लो अलग अलग साइड से और जेपेग्स यानी कि पिक्चर्स अपने कॉन्सोल में लोड करो and you can create a real character which will play golf. आपको पता था ये? Of course पता था, but I'm not too photogenic, इसलिए मैं ये फीचर ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आपने मुझे इतना ज्ञान बांटा मेरे साथ, आपने मुझे बताया कि गेम क्यों खेलना चाहिए, अब मैं आपको बताऊँगा कि ये गेम आपको एक्चुअली क्यों खेलना चाहिए। Here's my take on this game. Number one, आप इस गेम को इसलिए खेल सकते हो क्योंकि रियल लाइफ में गोल्फ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा चाहिए होता, राइट? थोड़ा बहुत हाँ। इस गेम को खरीदो, घर पे बैठ के आप इनएक्सपेंसिव वे में गोल्फ खेलना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, आप गोल्फ खेलने के लिए जाते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन गेट हिट बाय अ बॉल, आई मीन द गोल्फ बॉल। लगी हुई है तो चार बार ही। ये बहुत तेज, इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप मारोगे किसी को भी लग सकता है पर आपको कभी भी बॉल नहीं लगेगा। शाहरुख खान गॉट ऑनर्ड विद अ डॉक्टरेट फ्रॉम ब्रैडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी यूके में उनका कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर के लिए, कौन सा आर्ट और कल्चर? बाय मेकिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ डिस्को जैसे कि